डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा का नॉवल है कथा काले कोहां दी। पहला अंक दविंदर लई एक चंगे घर की पढ़ी लिखी साऊ लड़की के रिश्ते की गल तुरी, पर टेवा जदों मिलाउण लगे तो पंडित ने दसिया ये लड़की तो मंगलीक है। राखश मंगलीक बेजीत रह के पिछा हट गए। एडे तकड़े घर का कला कला लड़का सी ते सीवी फौज च अफसर, उन्होंने रिश्तियां का की घाटा सी। पिंड तो नाइया का बुढ़ा लागले पिंडां दियां सरदारां दियां कुड़ियां दे दो तीन रिश्ते लैके आया सी। वो किलो किलो सोना कार ते इस घर दे लायक विआह करन नूं तैयार सन, पर बेजी आखदे इहदे घर काहदा घाटा है, सानू तां बस लड़की चंगी चाहीदी है। रिश्तेदारी विचों भी एक लड़की दविंदर नाल विआह करना चाहुंदी सी, पर बेजी आखदे कलाकारा मेरा पुत, अगों लड़की दे कोई भरा नहीं। फिर वीरे कित्थे करिए तेरा विआह? वड्डी भैन कुलदीप ने जदों पुछया तो उन्हें बेरुखी नाल आख्या जिथे करना कर दिओ। भैन नूं लग्या मोना वाली गल दा परछावां अजे भी उहदे मन च किधरे ना किधरे है। जदों दविंदर अफसर भर्ती होके मद्रास ट्रेनिंग करन गया सी तां उत्थे उहदी अपने बैचमेट ते रूममेट सैम नाल दोस्ती हो गई सी। छुट्टी वाले दिन सैम उहनूं अपने घर भी लै जांदा सी। सैम चाहुंदा सी दविंदर दा विआह उहदी भैन मोना नाल हो जाए। मोना नूं भी दविंदर बेहद पसंद सी। मोना ने तो इत्थों तक आख दिता सी कि जे मैं विआह करांगी तो सिर्फ दविंदर नाल। दविंदर वालों भी समझो हाँ सी, उन्हें सिर्फ अपने बेजी ते वड्डी भैन कुलदीप तो पुछना सी। पासिंग आउट वेले मोढियां उपर अफसरी दे बिल्ले मापियां ने लाने हुंदे ने। बेजी मद्रास पहुंचे, बाकी मुंडियां दे मापे भी आए हुए सन, पर बेजी कल्ले सन। दविंदर नूं लग्या जे अज बापू जी हुंदे, पर वो अखां च आया पानी विचे विच पी गया। दविंदर वो कुड़ी कौन सी जिहड़ी अपने भरा नाल तैनूं स्टेशन तक छड्डण आई सी? वापस आके एक दिन बेजी ने हस के उहनूं पुछया। वो क्रिश्चियन ने, चंगे लोग ने, तैनूं पसंद आ वो कुड़ी? बेजी ने सीधा सवाल कीता। तुहानूं किहो जी लगी? जवाब देण दी थां दविंदर ने बेजी नूं पुछया। जिहड़ी तैनूं ठीक लगदी है मैनूं आपे ठीक है, बस कुड़ी साऊ चाहीदी है। बहुत अच्छी लड़की है मोना, फिर विआह उसे नाल करेंगा? बेजी ने पुछया। पता नहीं, ये तो तुहाडी मर्जी ते है, दविंदर ने जरा हस के आख्या। जिथे आखेंगा कर देंगी, तू खुश चाहिदा है। आख बेजी ने गल मुका दिती। दविंदर बहुत खुश सी। उहदी फिरोजपुर की पोस्टिंग हो गई। अपने सीओ नूं पुछ के छेती छेती मोटरसाइकिल उपर घर मिलण आ जांदा। जिन्नी तनख्वाह मिलदी सारी दी सारी दियां चीज़ां खरीद लिआउंदा। बाकियां दे नाल जीतू लई भी कुछ ना कुछ जरूर लैके आउंदा ते जीतू अपनी हर एक चीज़, भावें वह निक्का जिहा चाकू हुंदा जां पर्स जां टी शर्ट, गुआंढियां दे नौकरां नूं बड़ी शान मार के विखाउंदा। मेरे लिए काका जी लेकर आए हैं, वह दसदा। ते 2 महीनों मगरों दविंदर एक दिन घर आया तो बड़ा उखड़िया होया सी। दविंदर की गल? बेजी ने पुछया। कोई गल नहीं आख के उहने गल टालती। बेजी दे उठ जाण मगरों वड्डी भैन कुलदीप ने आख्या, वीरे तैनूं मेरी सौं दस की गल है? भैन जी बंदे मर के हो जांदे ने, बापू जी भी मर गए सी ते मोना भी मर गई है। वो अखां च आए पानी नूं अखां च ही मोड़दा बोलिया। मोना मर गई किवें? पता नहीं, उहदी माँ की चिट्ठी आई है। उन्हें यह भी लिखा है कि सैम फौज की नौकरी छड़ के जर्मनी चला गया। वड्डी भैन दविंदर का दर्द समझती सी, अगों कुछ ना बोली। वो 2 दिन की छुट्टी आया सी, अपने कमरे च ही पिया रहा। दूसरे दिन आथणे उहदा दोस्त घाघरा आ गया। दोवें बाहर चले गए। उस दिन दविंदर जदों रात नूं वापस आया, वड्डी भैन कुलदीप नूं लग्या जिवें दविंदर ने शराब पीती हुई सी, पर उन्हें आख्या कुछ ना। अगले दिन वह फिरोजपुर नूं वापस चला गया। बेजी नूं जदों मोना वाली गल दा पता लग्या तां उन्हां नूं दविंदर दा बड़ा फिकर हो गया। कुड़ियां उपर दी जम्मियां होण करके बाला ही पतले जी वाला है, वो सोचदे। उन्हां नूं याद आया कालेज 'च पढ़दा सी तां मुंडियां नाल रल के एक मुंडे नूं कुट्टण चला गया। अगले उस मुंडे दे सट्टा मार के भज गए। इहने जदों देखिया कि उहदा सिर फट गया ते लहू वग रिहा, उहनूं चुक के रिक्शे 'च पा के हस्पताल लै गया। हुण 20 दिन मगरों बेजी ते वड्डी भैन कुलदीप उहनूं फिरोजपुर मिलण गईਆਂ। उहनां नूं मैस 'ਚ खाना खवा के लिआया, फिर उहनां नूं अपने कमरे 'ਚ लै ਗਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ, ਕਿੱਡਾ ਸਾਫ਼ ਬਿਸਤਰਾ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਪਲੇਅਰ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, तस्वीरों वाली किताबों, कमीज़ा नाल मैच कर दियां पगड़ियां, वलैती कप प्लेटा, सब कुछ ही वधिया सी। आथने दविंदर का दोस्त गुरदीप आ गया। चाह पीण मगरों दोवें उन्होंने स्टेशन उपर गड्डी चढ़ा गए। कुलदीप दविंदर की अलमारी अंग्रेजी शराब की बोतल खाली सी कि भरी हुई। राह च बेजी ने वड्डी भैन नूं चिंतातुर जे होके पुछया, बेजी माड़ी मोटी विस्की तो अफसरां नूं रखनी पैंदी है, 100 कोई वड्डा अफसर आ जांदा ऑफर करनी हुंदी है। वड्डी भैन ने बेजी दा तौखला समझदिआं समझाया, आपां कोई चंगी जी कुड़ी लभ के दा विआह कर दईए तां ठीक है। बेजी बोले, रिश्तियां वाले तां बथेरे भज्जे फिरदे ने, कर लो कोई कुड़ी पसंद, तू सियाणी है, देख कोई चंगे घराणे दी साऊ जी कुड़ी। कुड़ी बेजी सोहणी चाहीदी है, जिहड़ी इहदे नाल तुरी जांदी चंगी तां लगे, सोहणी भी देख लिओ पर नेरे सुहापण मगर नहीं जाईदा, विचों भन चंगा चाहीदा। बेजी ने आख्या। अंग दूसरा। एक दिन दविंदर काली काली आया तो काली काली मुड़ गया। उन्हें बेजी नूं इन्ना ही दस्सिया भी साडी पलटन बंगलादेश नूं जा रही है। सुनदे सार बेजी दा कालजा जिवें थल्ले नूं गया। उत्थे तां सुनिया सी भारती फौजां बंगलादेशी लोकां नाल रल के पाकिस्तानी फौजां नाल लड़ाई लड़ रही हैं। दविंदर तू फौज चों नाम कटा लै, सानू नहीं इहो जी नौकरी दी लोड़, रब ने तेरे घर बथेरा कुछ दिता होया। बेजी ने जोर दे के आख्या सी, नहीं बेजी उत्थे मैं कल्ला तां नहीं जा रहा, मेरे वर्गे ही ने सारे, नाले फौज च इहो नहीं हुंदा भी जदों मर्जी नाम कटा लो। दविंदर ने समझाया, असी भर देंगे सरकार जो कुछ भरवाऊगी, माँ दे कल्ले पुत नूं तां सरकार नूं भर्ती नहीं करना चाहिदा। बेजी बोले, जिहड़ी माँ दा इक्को एक पुत्र होवे तो फौज च भर्ती हो जाए, सरकार उन्होंने 50 के 100 रुपया महीना वखरा दिंदी है। दविंदर बोलिया, तैं मैनू तो दसिया नहीं, ना लगवा के दिता है। बेजी बोले, लै हुण इन्ने क पैसों लिए आपां सरकार नूं अर्जियां पाउंदे। दविंदर ने हस के आख्या। उहदे चले जाण मगरों बेजी दा जी डुबे सोके होण लग्या। उन्हां दी इस गल 'च कोई दिलचस्पी नहीं सी कि इस लड़ाई नाल भारत नूं की फायदा होना सी ते पाकिस्तान नूं की नुकसान होना सी। उन्हां नूं तां सिर्फ दविंदर दा फिकर सी, दविंदर वर्गे होरना मावां दे पुत्तां दा फिकर सी। बेजी ने गुरुद्वारे जाके अखंड पाठ सुखिया कि मेरा पुत सुखी सांदी घर मुड़ आवे। वो काली देवी दे मंदिर भी गए तो प्रशाद चढ़ाया, हथ जोड़ के अरजोई भी की, माँ मेरे कल्ले पुत की तू रक्षा करी। हर वेले बेजी की सुरत दविंदर च ही रहिंदी। उन्होंने ख्याल आउंदा उन्हें तां कदे चिड़ी तक नहीं सी मारी। उहदा एक कुत्ता जदों सड़क पार करन लग्या किसी की कार हेठ आके मर गया सी तो किन्ना रोया सी, 2 दिन रोटी भी नहीं सी खाधी। एडे पतले जी वाला दविंदर उत्थे लड़ाई च किवें सब कुछ जरूगा। दूजा उहदी अपनी जान नूं भी तां खतरा हो सकदा है, सोच के बेजी घबरा रहे सन। भैणां दा अड्ड साह सुक्या पिया सी। बेजी सोच रहे सन इहदी जन्म पत्री विखावां किसी सियाणे पंडित नूं भी इस वेले किहो जे ग्रोह चल रहे ने। ये सोचदे उहनां दा मन पिछां नूं भौं गया। उत्थे पहुँच गया जिथे लुधियाणे जिले के निक्के जे पिंड मोरांवाली दी एक वड्डी सारी हवेली च अम्मा हरनाम कौर बिश ने पुरोहित की पत्री खुलवाई पुछ रही सी, पुरोहित जी टेवे तो हिसाब ला के दसो इस वारी तो पुत्र का योग है ना। बिश ने पुरोहित ने अपनी लोहे दियां डंडियां वाली गोल ऐनक ठीक करके नक्क ते टकाई, कागज़ उत्ते पेंसिल के टुकड़े नाल खाने बना के पोटियां उपर गिण गिण हिसाब ला के दसिया, इस वारी बहू दे जरूर लड़का होएगा। जजमाननी कोई पुन्न दान करवाना है तां दसो। पिछली वारी जदों 5वीं वार फिर पत्थर जम पिया, गुलाब कौर दे बापू जी तो 4 दिन मंजे तो नहीं सी उठ्या गया। वो तो सोचता सी पोते का मूँह देख ला, भावें 1 दिन का होवे सारा कुछ वो नाव कर जा। एक तो तुसी आप सियाणे हो पंडित जी, गुलजार सियों तो नहीं उन्होंने बहुता एतबार, दूजा शरीकों का भै हट जे। पिछली वारी गुलाब कौर दे बापू जी ने मज्झां नहीं सी बेचियां, आखे मुंडा होया तो छठी वाले दोवें कुड़ियां नूं एक देऊंगा, पर रब किते साडी सुने तां है ना, साडे मन दियां मन च ही लैके तुर गया। अम्मा हरनाम कौर बिशने पुरोहित नूं दस रही सी, कोई नहीं जजमाननी रब भला करूगा, तू तेल नाल चुपड़ के काले कुत्ते नूं शनिवार नूं एक बासी रोटी पाया कर, 1.25 मन काले माहां दी दाल बहू तो हथ लगवा के दान कर दे, सतनाजे का एक पेड़ा हर रोज़ गऊ नूं चारो, बाकी मैं तां कहना इस वारी लड़की दा थां बदली कर दिओ। बिशने पुरोहित ने दस्सिया, ये सब तां हो जू, तुसी पुरोहित जी कोई जाप जूप भी कर दो। पिछले दिन ही छोटू सबात मुरलियां चौंकड़ियां संभर रहा सी तां गदावर दी इंदो बोली, संभर लै छोटू संभर लै, अखीर तां असीं सामणियां ने। छोटू ने जदों दस्सिया मेरी जानी लाट निकल गई पिंडे थाणी भी, रब्बा इस घर नूं तूं औत ही रखेगा, इस नगर खेड़े मेरे पुत्त दी जड़ नहीं लगू, कि साध सराप हो गया इस घर नूं। अम्मा हरनाम कौर ने अखां भर के बिशने पुरोहित नूं दस्सिया। राम राम करो जजमाननी, कावां दे आखे ढगे नहीं मरदे हुंदे, नाले इंदो कोई रब नूं मिल के आई हुई है, बी जो आखदे हो ही सच हो। कई लोगों की मत ही यहो जी होंदी है, सोचते नहीं, गल करन लगे। प्रभु ते भरोसा रखो। पत्री नूं गोल करदियां बिश्ने पुरोहित ने दस्या। बिश्ने पुरोहित दी साफी उपर कणक की परात पा के नाल गुड़ की भेली धर के चुन्नी के लड़ नालों खोल के 2 रुपए दिंदियां अम्मा हरनाम कौर ने मानी मन बाबे शहीदां नूं भी ध्याया। हाड़े बाबा शहीदो, मेरे पुत दी इस नगर खेड़े जड़ लग जे। पुरोहित दे जाण मगरों अम्मा हरनाम कौर अपनी नूं चंद कौर वल झाक के सोचण लगी, खबर नहीं इस नकर्मण दे लेखां च नहीं कुड़ी गुलाब कौर पेश किहड़ा जाण दिंदी ऐ। नहीं हुण तां कदों दा होर विआह कर लैंदे मुंडे दा, दो दो किहड़ा हुंदियां ने, नाले इत्थे काहदा घट है। कुड़े चंद कुरे इन्ना पाठ करदी ऐ, रब तेरिओ सुण ले। धीआं तां दोवें बैठियां ने खाली, उन्हां दे तां रब नहीं भुल्लिआ, पुत्त दा तां नां रह जे जग उत्ते। अम्मा हरनाम कौर ने अपनी नूं चंद कौर नूं क्रोशीए नाल तपाई पोश बुणदी नूं आखिआ, अम्मा जी मैं तां साह साह नाल रब दे हाड़े कढदी आं भी मेरियां धीआं दे भाई चाहीदा। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ मैं नहीं ਸੁਖੀ। ਚੰਦ ਕੌਰ ने ਦੱਸਿਆ, खबर नहीं इस घर ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਧ ਸਰਾਪ हो गया। खबर नहीं ਕਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਰਸੀਸ ਲੱਗ ਗਈ ਬਈ ਅੱਗਾ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਬਥੇਰੇ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਗ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਕੋਲ ਥਾਂ ਬਦਲੀ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਖਬਰੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਮਾ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ने ਆਖਿਆ। पर नाल ही उन्होंने छिंबियां दी बुढ़ी हरकुर दे बोल याद आए, आखे सरदार हजूरा सियों बंदिया जिवें तैं मैनू उजाड़िया तेरा आर परिवार भी उजड़िया फिरे। पक्का घर पाउण वेले सरदार हजूरा सिंह ने सबात खुली करन लई नाल लगदा छिंबियां दा घर खरीद लिया सी। छिंबियां दे मुंडे तां घर वेचण लई मन गए सी, पर बुढ़ी नहीं सी मनदी। आखे इसे घर च मैं विआही आई, इसे घर च मेरे मुंडे जम्मे, इसे घर च मेरा आदमी मरिया, मैं ये घर किवें छड़ जा। पर मुंडियां ने जदों घर वेचता हरकुर बुढ़ी इत्थों रोंदी गई सी। किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिदी। मैं बथेरा आख्या गुलाब कौर दे बापू जी नूं भी रहण दिओ, इन्नियों बथेरी है सबात, पर उहने मेरी एक ना सुनी। आखे इन्हां ही रुपइयां नाल छिंबियां दे मुंडे तां सगों ऐदों खुला थां खरीद लैणगे। अम्मा हरनाम कौर सोच रही सी, ताइयों तां मैं सोचदी आं भी ऐतकी बहू नूं थां बदली लई पटियाले भेजदा। उहने अपने मन नाल फैसला कीता। थां बदली लई चंद कौर नूं पटियाले भेजता गया सी। मगरों अम्मा हरनाम कौर कदे सतवाह कराउण बैठ जांदी, कदे खंड पाठ। वो बाबा ज्ञानदास दे डेरे बावे दी कुटिया पक्की बनवा देण बारे भी सोख आई सी ते माड़ू दास दे 1.25 मन चूरमा चढ़ाउण बारे भी। मलेरकोटले वाले साईं तो धागा करवा के उहनूं पटियाले भेजण तो पहलां चंद कौर दे डौले नाल बन्नता सी। फिर भी उहनूं तौखला लग्गिआ रहिंदा। सोचदी, गुलाब कौर दे बापू जी तू तो लंघ गया सुखाला, वट्टे तो साड़ियां बेड़ियां च पा गया। सानू कोई भा तेरे एडे वड्डे शाहूकारे दा, जे गांह वरतन वाला कोई ना होया। पता नहीं किहो जे थां दा किहो जा कोई पैसा आ गया, जिथे भी लग्या निफल गया। धीआं ऊं खाली बैठियां ने ते पुत्त दे घर पत्थर ही होई जांदे ने। इउं सोचदी अम्मा हरनाम कौर दोहीं हत्थीं पुन्न दान करदी, आथण सवेर गल च पल्ला पा के देवी देवतियां नूं धिआउंदी कि इस वारी बहू दे मुंडा हो जावे ते नित उडीकदी भी पटियाले वल्लों कदों कोई सुख दा सुनेहा आउंदा है। उधर पटियाले बीबी गुलाब कौर दे गुआंढ च किराए दी कोठी च रहिंदी चंद कौर अपने सब तो छोटी धी जीत नूं आथण सवेर आखदी, तूं रब नूं आख इस वारी तैनूं वीर दे देवे। ओह अपनी मुट्ठी खोल के तली उपर काला तिल दिखा के आखदी सी, ਇਹ ਸੀ मेरा वीरा। ਭੂਆ जी गुलाब कौर निक्की नूं पुछदे, तुहाडे कोठे ते चिड़ी के कां? तां ओह आखदे, साडे कोठे उपर वीरा बैठा है। सब तो वड्डी भैण कुलदीप जो 9वीं जमात च पढ़दी सी सब कुछ चुपचाप देखदी रहिंदी। ओह भावें पटियाले वाले भूआ जी गुलाब कौर ने अपनी धी बना लई सी, फिर भी ओह अपने पिछले घर नाल जुड़ी होई सी। पिंड दूर किधरे पछां रह गया सी, पर लोक गीतां दे बोल मुड़ मुड़ ओहदे मन चों दी लंघदे। एक वीर दई वे रब्बा, सौं खाण नूं बड़ा चित करदा। एक वीर दई वे रब्बा, मेरी सारी उमर दे मापे। उहदी मां चंद कौर सोचदी, खबर नहीं किहो जिहियां करमां वालियां हुंदियां ने जिन्हां दे घर पुत्त जमदे ने। लोक भी जायदाद दे अन्ने होए फट दूजा रिश्ता करन नूं आ जांदे ने। भी रब तो भुल्ले होइओ जे दूजी दे भी कुड़ियां ही होई गईयां फेर। ते जे बीबी जी गुलाब कौर मेरी बांह ना फड़दी हुण तूं कदों दी पैर दी जुत्ती वांगू ला के परां धर दिंदे। इदों तां किसी गरीब जट नाल विआही हुंदी। पर फिर वो आप ही आखदी, बख्श ली रब्बा बस एक पुत दे दे। ते पटियाले दे लेडी डफरिन हस्पताल 3 जुलाई को जदों लेडी डॉक्टर नायर ने लेबर रूम चों बाहर आके वधाई दिती कि लड़का होया तां सरदार गुलजार सिंह ने झुक के डाक्टरनी दे पैरीं हत्थ लाए तो उहदीयां अखां हंझू आ गए। भूआ जी गुलाब कौर अंदर जाके कपड़ा चुक के आप देख के आई भी सच्ची लड़का होया। उस रात सरदार गुलजार सिंह ने बहुत शराब पीती, नौकरां तक नूं रजाता, थब्बे नोटां दे वधाई देण वालियां नूं वंडे। उसे दिन बुढ़ा गेंदा राम पिंड दसन चला गया। झट भी ही वेड़ा कट्ठा हो गया, वधाइयां मिलन लगियां। दादी हरनाम कौर ने झट हट्टी तो लड्डू मंगवा लए, 5-5 लड्डू हर एक वधाई देण वाले नूं फड़ाउंदी जाए, नाले आखी जाए भैणे तुसीं भी वधो, जिहो जी साडी रब ने सुणी है सब दी सुणी। हत्थ ने उस शहीदां दी मटी उपर घिओ दा दीवा डंग के आई, बावे ज्ञानदास दे डेरे सीधा पहुँचाया, गुरुद्वारे रसद भेजी, ख्वाजे खिजर दी कड़ाही कीती, वड्डे वडेरियां दे नां ते कोठे उपर लड्डू धर के आई। अगले दिन सवेरे ही रोडू छिंबा बांदरवाल लै आया। कपूरी झोर दरवाजे उपर अंब दे पत्ते बन गया, सुनियार चांदी दे घुंघरूआं वाली तड़ागी लै आया ते तरखान गडीरा। अम्मा हरनाम कौर ने कुड़ती झोना 5-5 धड़ियां कणक 1-1 गुड़ की भेली 5-5 रुपये नगद हर एक वधाई देण आए लागी नूं दिते। बिशने पुरोहित ने आके काके दा टेवा बनाया, शुक्र है पुरोहित जी असीं वसदे रह गए। आखदे अम्मा हरनाम कौर ने इकट्ठा 101 रुपया जदों बिशन पुरोहित दी पत्तरी ते रख के मत्था टेकिया तां पुरोहित दीयां अखां जिवें चमक पईयां। बोलिया, काके दा वड्डा टेवा मैं सोच के हिसाब ला के बनाऊंगा। पुरोहित दे जाण मगरों अम्मा हरनाम कौर आप मुहारी गीत गाउण लग पई। कदे काके नूं घोड़ी चढ़ाउण दे, कदे काके दे बन्नों विआह के लिआउण दे, कदे उहदे जम्मण दी खुशी ते आखे बापू मझियां दे संगल फड़ावे वीर घर पुत जम्मिया। मुड़ मुड़ सोचदी, शुक्र है वसदे रह गए, जड़ लग गई इस खेड़े च। पितरां नूं पाणी देण वाला आ गया, जिउंदा रहे। उसे दिन दुपहरे देसी घिओ दा झक्करा भरी, रेशमी लीड़ियां दी गंढ बन्नी, रुपइयां दी थैली भरी वो संते नाई दे नाल पटियाले नूं तुर पई। दुनिया ही उहनूं होर तरहां दी लग रही सी, सोहणी सोहणी चंगी चंगी। बिशने पुरोहित ने काके दी जन्म पत्री बनाई ते दस्या, बड़ा भागशाली सरकारी दरबारी इज्जत पाउण वाला लम्मी आयु वाला होएगा। बालक इहदा नां तो धर्म सिंह होना चाहिदा है। औरत दे हथों बड़ा थोड़ा कष्ट लिखा है, उसके लिए विधिवत जाप होना चाहिए। उस वक्त वड्डी भैन कुलदीप ने आख्या, इहदा नां देविंदर रख लैने आ, धर्म सिंह तां बुढ़िया वर्गा नां है। सब नूं गल पसंद आ गई। बेजी नूं याद आया दविंदर दे होण मगरों सारे घरदियां दा वर्तारा कितना फर्क हो गया सी। उहनूं वधेरे फल खाण ते दुध पीण लई आख्या जांदा तां जो बच्चे लई रजवां दुध उतरदा रहे। हर रोज़ प्रतापी काके दे नाल उहनां दे भी कपड़े धो के जांदी। जिहड़ा भी कोई घर आउंदा काके नूं शगन जरूर दे के जांदा। छठी वेले तां विआह वर्गा आहार कीता गया सी। उदों ही बेजी नूं समझ लगी कि क्यों आख्या जांदा कि पुत्तां दी मां राणी जां पुत्ती गंढ पवे संसार। काका भावें सांवला जिहा सी पर फिर भी नवा धुआ के तैयार करन मगरों उहदे कंन मगर कालख दा टिक्का लाया जांदा तां जो किसी दी नज़र ना लग जाए। वो जरा करोंदा तां उहदे सिर उपरों मिर्चां वार के चुल्हे च पाईयां जांदियां। चुरस्ते तो लोकां दे पैरां दी मिट्टी चुक के लिआई जांदी भी उहनूं किधरे नज़र ना लगी होवे। अम्मा हरनाम कौर नूं पटियाले आ के मिल जांदी, पिंड आउण लई नहीं सी आखदी। उहदा कहना सी शरीकां तो दूर ही रहे तां चंगा है। एक भैण गोदियों लाउंदी, दूजी चुक लैंदी। उहनां दा मसां लभ्या भरा भी सी ते खिडाउणा भी सी। बेजी चंद कौर दा वधेरे वक्त हुण पाठ पूजा च लंघदा। वो इस घर नूं पुत्तर दे के जिवें सुरखरू हो गई सी सब उलांभियां तो। दूजा वो रब दी शुक्रगुजार होना चाहुंदी सी जिने उहदी सुण लई सी। सरदार गुलजार सिंह सगों वध शराब पीण लग पए सन ते आखदे सन, हुण नहीं मैनूं फिकर, हुण बेशक मर जावां, बेशक मैनूं कोई मार देवे, हुण मेरे मगर हैगा सब कासे दा मालक बनन वाला। ते अज जदों सरदार गुलजार सिंह भी नहीं सी रहे ते उहनां दा उही कल्ला कारा पुत्तर लाम च गया होया सी तां बेजी चंद कौर उहदी जन्म पत्री हत्थ च फड़ी किसी पंडित कोल जाण लई तैयार हो रही सी कि पता तां करे अज कल उहदे ग्रोह कहे जे ने। मना कोई उपास पाई करा, वो सोच रही सी। धन्नवाद।